जेटीसीपी वेस्ट जोन की जानिब से वेस्ट जोन ऑफिस में एक प्रेस मीट मुनाकिद की गई। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि खातून की जानिब से स्नैचिंग की शिकायत मौसूल होने पर लंगर हाउस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक घंटे के अंदर दो सेल फोन स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से सेल फोन और एक पॉकेट नाइफ बरामद कर ली और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त शेर अली और मोहम्मद नवाज के तौर पर की गई है। कल सवेरे करीब 9:30-10 बजे के बीच में कंप्लेनेंट किरण माई SBI मुसरम्बा के मैनेजर वो अपने ऑटो में ऑफिस को जा रहे तो दो व्यक्ति मोटरसाइकिल में बात करते तो कंप्लेनेंट के हाथ में जो फ़ोन है वो स्नैच करके वो चले गए। हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर भास्कर और उनका क्राइम टीम लंगर हाउस का वो 1 आवर में केस डिटेक्ट करे, 1-1.5 आवर में इमीडिएटली वो अक्यूज़ को ट्रेस करके ट्रैक करके चेस करके उनको फिर अरेस्ट भी करे। 1.5 आवर में उनको अरेस्ट करने के बाद उनका इंट्रोगेशन में मालूम हुआ कि वो जो नवाज़ मोहम्मद नवाज़ और दूसरा आदमी शेर अली ये दो लोग ऑफेंडर्स थे, मोटरसाइकिल पे आके वो कंप्लेनेंट का मोबाइल फ़ोन स्नैच करके चले गए। ये अरेस्ट करने के बाद मालूम हुआ कि ये नवाज ऑलरेडी 6 केसेस में इन्वॉल्व है, राजेंद्र नगर, पहाड़ी शरीफ और तपा चबूतरा, इन 3 पुलिस स्टेशन में पिछले 2 साल में ये लोग 6 केसेस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये नवाज़ फरवरी में जेल में 1 महीना था, फिर बाद में वापस आने के बाद फिर ये काम शुरू करा। ये नवाज़ के ऊपर PD एक्ट के तहत इसको भी हम लोग ऑर्डर लेके उसको भी जेल भी जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा चोर वाजिद लंगर हाउस वाले PD एक्ट में एक चोर वाजिद को जो 35 केसेस में इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस उसको भी PD एक्ट के तहत ऑलरेडी चंचलगुड़ा जेल में ऑर्डर लेने के बाद उसको अभी चंचलगुड़ा जेल में है वो उसको वहाँ पे रिमांड करे उसको चंचलगुड़ा जेल में करे। एक्सट्रीमली गुड वर्क डन बाई इंस्पेक्टर श्रीनिवास SHO लंगर हाउस एंड एडिशनल इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी एंड दिस एंटायर क्राइम टीम। और उसी थर्ड इम्पॉर्टेंट केस जो रेगुलरली कंप्लेनेंट्स आते रहते पुलिस स्टेशन को कि इनका फ़ोन कहीं मार्केट में घूम गया, कहीं पिक पॉकेटिंग हो गया, कहीं पॉकेट से स्लिप हो गया, कोई बैग वहाँ पे रखे तो उसमें से कोई मोबाइल फ़ोन चोरी लेके गए। ये आज आसिफ नगर और लंगर हाउस में 145 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करने के बाद उनको सब लोगों को आज हैंड ओवर करें। ये 145 मोबाइल्स में 110 आसिफ नगर एडिशनल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रविंदर और उनके टीम रिकवर करें। वैसे ही अपने लंगर हाउस में 35 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करें। वो आज ये पूरे लोगों को जो भी ओनर्स हैं उनको आज वो मोबाइल फ़ोन्स हैंड ओवर करें। इसका कीमत कम से कम 50 से 60 लाख का कीमत है ये पूरा। सो इतना वैल्यूबल मटेरियल आज रिकवर करके फिर आज ओनर्स को हैंड ओवर करें।